वी टॉकिंग अबाउट द पीटोजेनेसिस। पीटोजेनेसिस में क्या होता है, देखो पार्थोजेनेसिस में हमने बात की कि जो एग होता है वो डेवलप कर जाता है इंडिविजुअल में। कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट हो चुकी होती है, लार्वा बन चुका होता है, ठीक है, और लार्वा के अंदर पार्थोजेनेसिस हो रही है, मतलब समझ रहे हो। हम लोग जानते हैं कि जो लार्वा होता है, आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में सुना है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी, पीरोजेनेसिस बाद में बताऊंगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि भाई जो गैमिट्स हैं उनकी फ्यूजन हुई और गैमिट्स फ्यूजन के बाद जायगोट आया, और मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल, मतलब कोई इन बिटवीन स्टेज नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं जो गैमिट्स यूज करके, जो मतलब जायगोट है, डायरेक्ट इंडिविजुअल में क्या कर जाएगा, डेवलप। इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट कि कोई इन बिटवीन स्टेज नहीं है, दैट्स द डायरेक्ट। इससे हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर कोई इन बिटवीन स्टेज नहीं होती है। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब गैमिट्स हैं वो फ्यूज करेंगे, उसके बाद कोई और स्टेज आएगी, उसके बाद कोई और स्टेज आएगी, उसके बाद कोई और स्टेज आएगी, तब जाके जैसे इन बिटवीन स्टेजेस होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो डायरेक्ट फॉर्मेशन से नहीं आता, पहले उसमें लार्वा आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें लार्वा, प्यूपा, उसके बाद आप लोगों ने उसकी बटरफ्लाई की पढ़ी होगी, सिल्क मॉथ की पढ़ी होगी, जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेजेस आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो लार्वा के अंदर पार्थोजेनेसिस हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर जाए, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा के अंदर, कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो है लेकिन उसमें वो स्किप करके, वो जो फेजेस आ रहे हैं वो स्किप करके डायरेक्ट जो लार्वा है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब पीडोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हमारा लीवर फ्लूक हो गया, लीवर फ्लूक एग्जाम्पल, लीवर फ्लूक के लार्वा है, दो तीन लार्वा है उनके अंदर होती है, मियासीडियम रीडिया और करकेरिया, मेटाकरकेरिया, इसकी लार्वल स्टेजेस हैं, वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इसकी तो लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी है। बस इतना याद रख लो कि लीवर फ्लूक की लार्वल स्टेजेस में पीडोजेनेसिस, मतलब पार्थोजेनेसिस होती है, पार्थोजेनेसिस ही है, बस लार्वल स्टेजेस में जो पार्थोजेनेसिस हो, मतलब पीडोजेनेसिस इज द व्हेन पार्थोजेनेसिस अकर इन लार्वल स्टेज। सी पार्थोजेनेसिस हमने नेचुरल बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं कि पार्थोजेनेसिस आर्टिफिशियल भी होती है, मतलब हम इसको इंड्यूस भी करा सकते हैं, या तो हम लोग इसकी कैसे, किसी ऑर्गेनिज्म या एग के अंदर कोई फिजिकल स्टिमुलस देकर स्टिमुला, या फिर कोई केमिकल स्टिमुलस देकर, ओके, आर्टिफिशियली भी, जैसे फिजिकल स्टिमुलस में एग्जांपल हम कोई हीट शॉक देते, हीट शॉक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से टेम्परेचर बढ़ा दें, इलेक्ट्रिक शॉक दे दें, यूवी रेज मतलब के आगे उसको इंड्यूस करा दें, या फिर हम लोग क्या कर दें, प्रिकिंग अ नीडल इन द फीमेल गैमेट, या केमिकल स्टिमुलस में हम लोग उसको इथेनॉल या ईथर या अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म, मतलब इन सब से इंड्यूस करा के हम लोग, मतलब ट्रीट करा के हम लोग केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो किस में डेवलप कर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इवन मैमल, रैबिट के अंदर भी हमने पार्थोजेनेसिस इंड्यूस करवाई हुई है। तो ये इससे क्या पता चलता है हमें कि जो फीमेल गैमेट है उसके पास एनफ पोटेंशियल होता है टू गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। मतलब मेल गैमेट की जरूरत किस लिए पड़ती है उसको, जब वो खुद एनफ है तो वो जरूरत पड़ती है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि जो दो मेल गैमेट आते हैं तो नेचर का दिया हुआ क्रोमोसोम नंबर क्या कर जाता है, फिर से रिटेन कर जाते हैं। तो एक्चुअल में जो फ्यूजन है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन है, वो मियोसिस वाली चक्कर जो पड़ता है उसके लिए होती है कि गैमिट्स आते हैं, गैमिट्स क्या हो गए थे मियोसिस से, एंड एन कंडीशन में हो गए थे, फ्यूज कर दे तो इंडिविजुअल वापस से डिप्लॉयड कंडीशन में रिटेन कर जाते हैं। जबकि एग
के अंदर पूरी पोटेंशियल होती है कि वो एक पूरे इंडिविजुअल को गिव राइज कर सके। ठीक है, अच्छा एक न्यू टैनी भी होती है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने हैं, और इन बिटवीन अगर कोई टॉपिक है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझसे पूछना है। ओके, न्यू टैनी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। न्यू टैनी क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का, देखो हमें पता है कि जो इंडिविजुअल है उसका पहले जुवेनाइल फेज आता है, उसके बाद प्यूबर्टी मैच्योरिटी फेज आता है, तब वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन कई बार कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म अभी पैदा भी नहीं हुआ ढंग से, मतलब लार्वल स्टेज में ही अगर वो मैच्योर जैसे हरकतें करने लग जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, न्यूटैनी। जैसे मतलब इफ लार्वा के अंदर लार्वा प्रोड्यूस गोनेड्स एंड गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, तो वो क्या होती है, न्यूटैनी। जैसे ऐसा होता है एक्सोलोटल लार्वा ऑफ टाइगर सेलेमेंडर, एक्सोलोटल लार्वा ऑफ टाइगर सेलेमेंडर, सी ये एक एम्फीबियन है, टाइगर सेलेमेंडर छिपकली जैसा दिखता है समवॉट, और एक्सोलोटल इसके लार्वा का नाम है कि कई स्टेजेस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लार्वा मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इसका ये लार्वा क्या करने लगता है, गोनेट्स डेवलप कर जाते हैं, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग अपनी जैसे प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ के साथ ये चैप्टर है थोरोली रीड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड ऐसा हो जो समझ में नहीं आता, देन कॉन्टेक्ट मी। ओके।